आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल बाटी चूरमा। अब मैं कुकर में दाल बनाने रख रही हूँ। दाल में मूंग की दाल, मसूर की दाल और काली उड़द की दाल, चने की दाल मिक्स कर दी है। तो मैंने दाल चढ़ा दी है, उसमें नमक डाल दिया है, कुकर में हल्दी डाल दी है दाल में और थोड़ी सी मिर्च डाल दी है। अब इसका ढक्कन बंद कर देते हैं। अब मैं बाटी के लिए आटा मलने जा रही हूँ। उसमें अजवाइन डाली गई है और मोमिन डाला गया है और मीठा सोडा आधा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। अब इसको हम ना गुनगुने पानी से गूंथ लेते हैं आटे को। ज़्यादा टाइट आटा नहीं गूंथना है और बहुत सॉफ्ट भी नहीं गूंथना है, नॉर्मल आटा गूंथना है जैसे रोटी के लिए गूंथा जाता है। अच्छे से गूंथ लेते हैं। आटे को मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था, अब ओवन स्टार्ट कर लिया है। उसमें बाटी बना के पहले से ही प्री हीट कर पर रख दिया था, रख दी हैं। अब मैं दाल में तड़का लगाने जा रही हूँ। इसके लिए देसी घी 2 बड़े चम्मच, टमाटर, अदरक, हरी मिर्ची, जीरा, थोड़ा सा दाल चीनी का टुकड़ा डाल दिया है। देखिए मेरी दाल बन गई है अच्छे से। मैं नींबू डाल दिया है, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, खुशबू के लिए कसूरी मेथी डाली गई है, इससे बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है। तड़का बन गया है, उसमें थोड़ी सी मिर्ची डाल दी है क्योंकि हमने पहले भी मिर्च डाल दी थी। मैं दाल में छौंक लग गया है। अब मैं चूरमा बनाने जा रही हूँ। बाटियों को मैंने तोड़ के ना मिक्सी में पीस लिया है इसको अच्छे से। इसमें बूरा डाला है, जितना मीठा खाना हो उतना बूरा डालना है। ज़्यादा मीठा हो खाते हो तो थोड़ा ज़्यादा, ना थोड़ा कम डालें। 2 चम्मच इसमें घी डाल लें, देसी घी से बहुत ही टेस्टी बनेंगे आपके लड्डू चूरमा के। अच्छे से बनाएं इनको, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। देखिए लड्डू बन गए हैं। मैंने इसमें प्याज नहीं डाली है किसी में भी दाल में, क्योंकि मैं भगवान का भोग लगाती हूँ तो उसमें प्याज नहीं डलती है। लड्डू को मैंने सजा दिया है काजू से, गोले के बुरादे से। देखिए मेरी बाटी भी बन गई है। अब ही मैं इनको डिप कर लिया है। तैयार है दाल बाटी चूरमा के लड्डू। आपको अच्छे लगे हो तो लाइक करें। थैंक यू।